हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ममता नरवाल ट्यूटोरियल। और आज हम बात करेंगे डीएसएसबी एग्जाम की, जो कि अब मार्च अप्रैल के मंथ में होने वाला है। और इसमें हम बात करेंगे उसके सिलेबस की, उसके पैटर्न की, किस हिसाब से ये एग्जाम होगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। इसके अंदर दो सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन जो कि सबके लिए कॉमन होता है, और सेक्शन बी जो कि आपके सब्जेक्ट किससे रिलेटेड होता है, जो आपका सब्जेक्ट होगा बीएड में जो सब्जेक्ट होगा, या फिर जेबीटी का जो होगा, या फिर अगर पीजीटी की बात करें तो उसके जो सब्जेक्ट रिलेटेड, वो बी सेक्शन होता है। ए सेक्शन जो होगा वो हमेशा कॉमन होता है सभी के लिए। इसके अंदर हमारे पास क्या क्या आते हैं, वो होते हैं जनरल अवेयरनेस, जो कि जिसके अंदर मैक्सिमम 20 क्वेश्चन होते हैं और 20 ही नंबर के होते हैं। फिर आता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, जो कि 20 क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क ईच। अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसके अंदर भी 20 क्वेश्चन होते हैं और सारे एक एक नंबर के होते हैं। और टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन, इसके अंदर भी 20 क्वेश्चन होते हैं और 20 ही नंबर के होते हैं। और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो, इसके अंदर भी 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 ही नंबर के, यानी ये सारे के सारे 1 मार्क ईच क्वेश्चन होते हैं। और टोटल हमारे पास 100 क्वेश्चन होते हैं, और 100 में से 1 मार्क ईच है, तो मैक्सिमम जो मार्क्स होंगे वो भी हमारे 100 होते हैं। ये होता है सेक्शन ए, जो कि सबके लिए कॉमन होता है, सभी को ये सेक्शन करना होता है। जो अब आता है सेक्शन बी, जो कि सबके सब्जेक्ट कंसर्न से होता है, सब्जेक्ट रिलेटेड होता है। जैसे अगर हम टीजीटी और पीआरटी की बात करें, तो उसके अंदर सब्जेक्ट में वो चीज आएंगी जो आपने टीचिंग मेथडोलॉजी यूज की हो, या फिर जैसे आपने बीएड किया हुआ तो बीएड का सब्जेक्ट का आएगा, अगर आपने जेबीटी किया तो जेबीटी सब्जेक्ट की आएंगी, एनटीटी की है तो एनटीटी सब्जेक्ट की। सो उससे रिलेटेड 100 क्वेश्चन होंगे, जो कि 100 नंबर के होंगे। लेकिन अगर पीजीटी की बात करें, तो पीजीटी में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन जिस भी सब्जेक्ट से किया है आपका, वो सब्जेक्ट आएगा। साथ में आपने बीएड वगैरह जो भी किया है, आपके टीचिंग मेथोडोलॉजी, ये सारे के सारे आएंगे, इसके क्वेश्चंस होंगे, जो कि 100 क्वेश्चन होंगे और होंगे ये 200 नंबर के, यानी 2 मार्क ईच क्वेश्चन। अब हम देखते हैं इनका सिलेबस कि अब सेक्शन ए के अंदर जो पहला होता है वो होता है जनरल अवेयरनेस। इसके अंदर पहली चीज आती है हमारे पास हिस्ट्री, फिर आती है हमारे पास ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और करंट अफेयर्स, और हमारी जीके। ये सारे के सारे सब्जेक्ट हमारे टॉपिक्स होते हैं, जो कि हमारे जनरल अवेयरनेस में आते हैं, जिसके अंदर हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में हमारी जीके बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडियन पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये वाले टॉपिक्स भी करके जाते हैं, तो हमारा जो एग्जाम है वो क्लियर होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे पास जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी। इसके अंदर भी कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे क्लासिफिकेशन होती है, एनालॉगी होती है, वर्ड फॉर्मेशन, अरेंजिंग वर्ड्स, डिक्शनरी ऑर्डर, वेन डायग्राम, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, मिसिंग नंबर, पजल एंड टेबुलेशन, सीरीज, नॉन वर्बल एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये सारे के सारे हमारे आते हैं इनके अंदर। इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, हमारे पास क्लासिफिकेशन हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, सीरीज हो गए, और नॉन वर्बल एंड लॉजिकल रीजनिंग हो गई, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो गया। ये सारे के सारे टॉपिक हमारे ज्यादा पूछे जाते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स। जैसे अरेंजिंग वर्ड्स भी पूछा जाता है, लेकिन कम चांसेस होते हैं। डिक्शनरी ऑर्डर के अंदर और भी कम चांसेस होते हैं। वेन डायग्राम बहुत कम पूछे जाते हैं। तो इन पे टाइम ना खराब करें, इससे अच्छा है आप बाकी टॉपिक्स ज्यादा अच्छे से कर लें। फिर आता है हमारे पास अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसके अंदर हमारे पास कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज,
रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉब्लम एंड एजेस, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर सीरीज, नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, टाइम एंड वर्क, एलजेब्रा, ये सारे के सारे हमारे मैथमेटिक्स के पार्ट हैं, जिसके अंदर से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो मैं बता देती हूँ आपको, जो है टाइम एंड डिस्टेंस, वर्क एंड टाइम, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट लॉस। ये सारे के सारे अगर टॉपिक आप करते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये वाले टॉपिक्स आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे, जो कि आप एग्जाम जल्दी क्लियर कर सकते हो, पहले ये टाइप में क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आता है सबसे पहले हमारे पास रीडिंग कंप्रहेंशन, सेकंड आता है फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग्स आएंगी, इडियम एंड फ्रेजेस आएंगे, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, सेंटेंस करेक्शन और इम्प्रूवमेंट होंगे, और एरर स्पॉटिंग होंगे। ये सारे के सारे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप कोई सी भी चीज छोड़ नहीं सकते। इडियम एंड फ्रेज जो होंगे वो आप कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, कॉमन होते हैं, आप वो याद करें, ज्यादा ध्यान इन पे ना दें, इसके बजाय हम बाकी चीजें आप कर लें तो वो ज्यादा अच्छे से होगा, और इसके अंदर आपको सारे ही लगभग करने पड़ेंगे। ये काफी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, तो इसके लिए आपको सारे ही करने पड़ेंगे। हिंदी भाषा और गद्यांश के अंदर आ जाएगा सबसे पहला, वो ये होता है हमारा गद्यांश, दूसरा आ जाएगा अलंकार और समास, फिर आ जाएगा रस, संद और संधि, उपसर्ग और प्रत्यय, मुहावरे और एकार्थी शब्द, हिंदी व्याकरण में वचन, कारक, संज्ञा, लिंग, सवर्णनाम आदि ये सब आएंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति, विलोम और पर्यायवाची शब्द, ये सारे के सारे हमारे पास आ जाएंगे हिंदी भाषा के लिए। अगर हम बात करें सब्जेक्ट कंसर्न के ऊपर, तो सब्जेक्ट आपके खुद के उसके ऊपर बेस होंगे कि आपने क्या काम कर रखा है, आप कौन से के लिए आप पेपर दे रहे हैं। अगर आप पीआरटी के लिए दे रहे हैं तो आपके लिए ये आपके खुद के जेबीटी के बेस पे आएगा, बीएलएड के बेस पे आएगा, वो हमारे टीचिंग मेथोडोलॉजी के ऊपर मेनली होता है। और अगर ये आप पीजीटी के लिए दे रहे हो, पीजीटी के लिए जैसे अगर आप बायो के टीचर हो तो बायो के क्वेश्चंस आएंगे, आपके पास 100 क्वेश्चंस होंगे, और अगर आप मैथ के टीचर हो तो आपके मैथ के क्वेश्चंस आएंगे। ऐसे ही सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं क्वेश्चंस। और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं कि पहली चीज ये ध्यान रखनी है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, जो कि 0.25% 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है, जिसकी वजह से अगर आप कोई गलत क्वेश्चन कर देते हैं, आंसर गलत दे देते हैं, तो उसके आपके नंबर कटेंगे। तो आप कोशिश ये करें कि कोई गलत ऑप्शन ना चूज करें। दूसरी है, इसके अंदर दो टायर एग्जाम है। पहला टायर जो होगा वो नॉर्मल क्वालिफिकेशन वाला होगा, आप सिर्फ क्वालिफाई कर सकते हो। सेकंड जो होगा वो सिलेक्शन बेस होगा, सेकंड टायर का जो एग्जाम आएगा वो उसमें मेरिट लिस्ट निकलेगी और फिर सिलेक्शन होता है। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू गाइस, आई होप दिस इज बेनिफिशियल टू यू, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।